Good morning, friends. Today is the second session of time of supply. Right? Identify the point in time when the liability to pay GST arises under forward charge or reverse charge mechanism. Right? तो काफ़ी सारा केसेस हम लोगों ने देखा था. बेसिकली हम लोग को ये मालूम पड़ेगा कि किस मंथ में जी एस टी पेबल, अकॉर्डिंगली उसका नेक्स्ट मंथ का जो भी रेस्पेक्टिव ड्यू डेट है उस पर अपने को पे करना है. राइट? तो अगर टाइम ऑफ सप्लाई 25th मई आता है, सो इन दैट केस अपने को वो जून का 20th तक दे देना है. सो जी एस टी एक्ट प्रोवाइड सेपरेट प्रोविजन फॉर टाइम ऑफ सप्लाई for goods and services via section 12 and 13. 12 is for goods and 13 is for services, right? So there are so many events such as issue of invoices, receipt on payment, receipt of services as recorded in entry in the books, right? So forward charge ka alag tarike se dekhte hain, reverse charge mein alag tarike se dekhte hain, right? Kafi sara definitions tha jo hum log already pehle cover kar chuke hain. रिवर्स चार्ज में रेसिपिएंट को टैक्स दे के फिर इनपुट टैक्स क्लेम करना पड़ता है. बेसिकली सर्विसेज रिसीव फ्रॉम जीटीए, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसीज इज वन ऑफ द एग्जांपल. ओके, सो ये टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स है. मैंने आपको बताया था इट हैज टू बी द अर्लीएस्ट ऑफ द डेट्स. तो डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और डेट ऑन विच सप्लायर रिसीव्स द पेमेंट, अर्लीएस्ट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस एंड डेट ऑफ पेमेंट. नाउ कई बार क्या होता है, इनवॉइस इश्यू नहीं हुआ है बट एज पर सेक्शन 31 एक लास्ट डेट होता है इनवॉइस इश्यू करने का, तो वो वाला डेट माना जाएगा. काफी सारे एग्जांपल्स के थ्रू हम लोगों ने देखा था. डेट ऑफ पेमेंट विल बी द डेट ऑन विच सप्लायर इज सेल बी द डेट ऑन विच एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स और द डेट ऑन विच द पेमेंट इज क्रेडिटेड विच एवर इज अर्लियर. राइट? देन सबसेक्शन 3 डील्स विद रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म. अंडर रिवर्स चार्ज, जैसे यहाँ पे तो डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर है, और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में इट हैज़ टू बी अर्लीएस्ट ऑफ द फॉलोइंग डेट्स. नाउ व्हाट आर दोज डेट? डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ गुड्स, right? In case of reverse charge mechanism, it has to be earliest of the three dates, date of receipt of goods, date on payment as entered in the books of accounts of the recipient, right? मतलब जिस दिन मैंने payment का entry किया है और जिस दिन मेरे account से कटा है, whichever is earlier, and the date immediately following 30 days from the date of issue of invoice by the supplier. राइट?
और अगर ये ए बी सी का क्लॉज में डिटरमाइन नहीं हो पा रहा है देन द टाइम ऑफ सप्लाई शैल बी द डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द रेसिपिएंट. वाउचर्स के केस में ये डेट ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर और अगर आइडेंटिफाइबल नहीं है देन रिडेम्पशन का डेट. ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू इंटरेस्ट लेट फी पेनल्टी फॉर डिलेड पेमेंट ऑफ एनी कंसिडरेशन शैल बी द डेट ऑन विच सप्लायर रिसीव सच एडिशन इन वैल्यू. अभी सेक्शन 31, व्हाट इज द लास्ट डेट फॉर इश्यूइंग इनवॉइस. अ रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाइंग टैक्सेबल गुड शैल, जिसमें आपको रिवाइज करा रहा हूं, सेक्शन 31 में यहां पे वही बातें लिखी हैं जो इस सेक्शन के लिए रेलिवेंट है. सप्लाइंग टैक्सेबल गुड्स शैल बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स फॉर सप्लाई टू द रेसिपिएंट वेदर सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स और डिलीवरी ऑफ गुड्स मेकिंग अवेलेबल टू द रेसिपिएंट. राइट, उसके पहले आपको इशू टैक्स इनवॉइस शोइंग द डिस्क्रिप्शन क्वांटिटी वैल्यू टैक्स चार्ज देयर ऑन अदर पार्टिकल्स. कंटिन्यू सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में वेयर सक्सेसिव स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स और सक्सेसिव पेमेंट्स आर इन्वॉल्व्ड द इनवॉइस शैल बी इशूड हर एक स्टेटमेंट के पहले और हर एक पेमेंट के पहले. और सेल ऑन अप्रूवल के केस में एट द टाइम ऑफ सप्लाई और सिक्स मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल विच एवर इज अर्लियर. ठीक है, तो ये हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर लिया है. इसमें काफी सारा एनालिसिस वी हैव डन. एडवांस पे हमारा जीएसटी नहीं है, ये खाली सप्लाई ऑफ गुड्स पे है. सप्लाई ऑफ सर्विसेज में इस चीज का रिलीफ नहीं मिला है. जितना इनवॉइस में मेंशन्ड है उसी का जीएसटी के बारे में बात करेंगे. To the extent the invoice or payment covers the supply of goods. Agreement कितने का था उससे फर्क नहीं पड़ता. These were the two examples that we have studied. दस जून को इनवॉइस है, पेमेंट मिला 20 जून को, तो टाइम ऑफ सप्लाई 10th जून माना जाएगा. यहाँ पे एडवांस पहले मिल चुका है, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये रिलीफ है. राइट, 10 जून ही माना जाएगा. Again, there are few examples. Invoice 12 June को issue हुआ नहीं माना जाएगा क्योंकि 10 June को हो जाना चाहिए था, जिस दिन goods remove हुआ है उस दिन.
as per section 31. दस तारीख से छः महीना या जिस दिन अप्रूव हुआ है, विच एवर इज अर्लियर, तो 10 जुलाई आएगा। रिवर्स चार्ज में डेट ऑन विच गुड्स आर रिसीव, डेट ऑन विच पेमेंट इज मेड और सप्लायर इशू किया वहां से पोस्ट 30 डेज। और वो भी फॉरवर्ड चार्ज में रिलीफ है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में नहीं है। इनवॉइस 4 जून का है, 12 जून को रिसीव हुआ है, पेमेंट रिकॉर्ड हुआ है 30 जून को, 2 जुलाई, तो 30 जून और 2 जुलाई, इसमें 30 जून लेंगे और 12 और 30 में और पोस्ट। तीन डेट हो गया ना, डेट ऑफ रिसीप्ट हो गया 12 जून और उसके बाद ट्वेल्थ जून, उसके बाद पेमेंट का लेंगे 30 जून विच एवर इज अर्लियर और पोस्ट 30 डेज होगा 4 जुलाई, तो इसमें 12 जून आएगा। एडवांस में रिलीफ खाली सप्लाई है, वो भी फॉरवर्ड चार्ज, ना ही सर्विसेज है ना ही रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है। फोर्थ जुलाई होगा, वही फिफ्थ, 30 डेज काउंट करेंगे यहाँ से, पोस्ट 30 डेज, रिसीव हुआ है 6 जुलाई, पेमेंट है 21 जुलाई और यहाँ से पोस्ट 30 डेज, तो 5 जुलाई, ये वाला भी 5th होगा, तो इसमें अर्ली होगा 5 जुलाई। इसका 27 जून रिसीव हुआ है, टेंथ जून हो गया, और 5 जुलाई, इनवॉइस से पोस्ट 30 डेज, तो अर्लीस्ट हो गया 10th। वाउचर्स वगैरह का मालूम है हम लोगों को, रिटर्न जिस दिन लगाएंगे उस दिन का है। दिस इज द समरी,
These summaries you can make in your copy. आप अपने कॉपी में इसको ड्राफ्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, राइट. सो इन केस ऑफ सर्विसेज, नंबर ए क्लॉज ए, सबसेक्शन टू क्लॉज ए, शैल बी द अर्लीएस्ट ऑफ द फॉलोइंग डेट्स, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर. इफ द इनवॉइस इज इश्यूड विद इन द पीरियड prescribed under section 31 or the date of receipt of payment whichever is earlier. Agar invoice timely issue nahi hua hai to date of provision of service or payment whichever is earlier. नहीं तो रेसिपिएंट जिस दिन एंट्री की है अपने बुक्स में. अगर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है you can make small small notes. यहाँ पे 60 डेज है और डेट ऑफ डेबिट पेमेंट, मतलब रिसिपिएंट के पॉइंट ऑफ व्यू से पेमेंट जिस दिन हुआ है, नहीं तो जिस दिन एंट्री हुआ है बुक्स में रेसिपिएंट का. रिवर्स चार्ज में आप हमेशा देखेंगे रेसिपिएंट का डाटा ले रहा है, क्योंकि इट इज द रेसिपिएंट हु इज लायबल टू पे जीएसटी एंड टेक इनपुट टैक्स क्रेडिट. और अगर आउटसाइड इंडिया से सर्विस मिला है एसोसिएटेड एंटरप्राइज, जिस दिन एंट्री हुआ है बुक्स में और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर. वाउचर्स वगैरह के केस में ठीक है, आइडेंटिफाइबल है तो जिस दिन इशू हुआ, नहीं तो ठीक है. ये सब कॉमन चीज़ है. पीरियोडिकल रिटर्न जिस दिन लगाया. दिस इज कॉमन, सेक्शन 12 जैसा ही है. A registered person supplying taxable services shall before or after the provision of service, but within a prescribed period, issue tax invoice. अब ये ड्यू डेट्स बता रहा है, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विसेज के केस में. द
जस्ट आपको रीड करना और कुछ भी नहीं है इसमें, खाली डेट्स आपको मेमोराइज करना है। अगर ड्यू डेट ऑफ पेमेंट एसेटेनेबल है तो इनवॉइस उसके पहले इशू हो जाना चाहिए। नहीं तो जिस दिन सप्लायर को पेमेंट रिसीव होगा उस दिन, अगर कोई इवेंट से लिंक्ड है तो जिस दिन वो इवेंट कंप्लीट होगा वहाँ पे, जैसे कोई स्टेज शो वगैरह है वहाँ पे पेमेंट हो सकता है। सीजेस खत्म हो जाता है तो जिस दिन सीजेशन हुआ उसके पहले। अब ये टाइम लिमिट फॉर इशूइंग इनवॉइस है, ये जो यहाँ पे लिखा था ना विद इन सच टाइम पीरियड प्लस सर्विस, क्योंकि यहाँ पे एडवांस के केस में भी टैक्सेबल है, सर्विस पहले हो या बाद में हो बट विद इन प्रेस्क्राइब टाइम होना चाहिए। विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लाई, ठीक है। फोर्टी 5 डेज बैंकिंग कंपनीज के केस में, और ये गवर्नमेंट का रिकमेंडेशन अगर होगा बिफोर और एट द टाइम सच सप्लायर रिकॉर्ड्स द सेम इन हिज बुक्स, तो इतना डेट तो मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है याद रखना, तो हाउ कैन यू मेमोराइज, दैट्स ओनली वे आउट दैट यू हैव टू प्रिपेयर दिस इन अ पीस ऑफ A4 पेपर, राइट, राइट द ड्यू डेट्स एंड अकॉर्डिंगली। ठीक है, क्वेश्चंस के थ्रू ही हम लोग इसको समझ सकते हैं। ये वापस से वही चीज़ एक्सप्लेन किया है, अगर टाइम लिमिट के अंदर इशू हुआ है तो डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, अगर नहीं है तो प्रोविजन ऑफ सर्विस देखेंगे। नहीं तो सर्विस रिसिपिएंट जिस दिन रिकॉर्ड किया है, आइए देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स दैट वी नीड टू स्टडी आउट हियर, इन एग्जांपल्स के थ्रू हम लोग को और डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलेगा। मैंने सर्विसेज 10 जून को दे दिया है,
ठीक है, मेरा डेट्स क्या क्या है? 15 जून को मैंने इनवॉइस इशू किया, तो विद इन 30 डेज हो गया, तो इट हैज़ टू बी 15 जून। अच्छा, पेमेंट में जिस दिन मैंने रिसीव किया है या जिस दिन रिकॉर्ड किया, विच एवर इज अर्लियर, तो मेरा 15 जून होगा आई गेस। मैंने पढ़ा भी नहीं है, बट लेट अस सी। डेट ऑफ पेमेंट में तो विच एवर इज अर्लियर ले लिया, और इनवॉइस इशू हुआ विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लाई, तो 15 जून हो गया। चलो, वेरी गुड, डन डन एंड डस्टेड। देख लीजिए, इसी तरीके से आप लोगों को भी एग्जाम में करना है। डेट ऑफ पेमेंट 20 जून हो गया, इनवॉइस विद इन 30 डेज है, तो 7 जुलाई और 20 जून, तो 20 जून मेरा टाइम ऑफ सप्लाई होगा। विद इन 30 डेज नहीं है, तो प्रोविजन ऑफ सर्विस 10 जून, 28 जून, तो उसके हिसाब से मेरा 10th जून। ये बोलने का दरकार नहीं है कि 200 रुपया जो एक्सेस है इसका आप एट द ऑप्शन रिवर्स चार्ज। ठीक है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में क्या बोला है? 10 जून को मैंने सर्विसेज प्रोवाइड किया है, ए लिमिटेड ने 15 जून को इनवॉइस इशू किया है, और पेमेंट है हमारा, इन दोनों का अर्लीस्ट होगा 28 जून, डेट ऑफ पेमेंट, एंड पोस्ट 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस। सो 15 जून का 60 डेज काउंट करेंगे तो होगा आपका 15 जुलाई, वही, तो ये जो भी आएगा अराउंड 14 जुलाई आ रहा है, जो भी 60 डेज काउंट कर लेना 15 जून से, 15 जून प्लस 60 ये आएगा, तो ऑटोमेटिकली मेरा 28 जून होगा। पंद्रह जून को इनवॉइस इशू हुआ है, 20 सितंबर में 15 सितंबर आ रहा है, तो डेट ऑफ पेमेंट हो गया मेरा 15 सितंबर, पोस्ट 60 डेज 15 से काउंट करेंगे, सॉरी 15 अगस्त है कैलकुलेशन से, 15 जून से, 15 जून में हो गया 15 दिन, जुलाई में हो गया 31, तो 46,
अगस्त में हो गया 14, तो पोस्ट 60 बोला है तो ठीक है 15 अगस्त, तो उस हिसाब से मेरा 15 अगस्त आएगा ड्यू डेट। पंद्रह जून प्लस 60, कैलकुलेशन मिस्टेक था। डेट ऑफ पेमेंट और डेट ऑफ एंट्री विच एवर इज अर्लियर, तो यहाँ पे डेट ऑफ एंट्री के लिए कुछ बोला नहीं है, सो डेट ऑफ पेमेंट ही ले लेंगे। अगेन इसका समरी बना दिया है लोग आपके लिए। अभी क्या है, चेंज इन रेट ऑफ टैक्स इन रेस्पेक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 14, टैक्स रेट अगर चेंज होता है अगर देर इज अ चेंज इन द रेट ऑफ टैक्स नॉट विथ स्टैंडिंग, तो सेक्शन 14 लगेगा। अगर सप्लाई हो चुका है बिफोर द चेंज इन रेट ऑफ टैक्स, सप्लाई पहले है, यहाँ पे चेंज हुआ है, सप्लाई पहले इनवॉइस बाद में पेमेंट बाद में, तो इन दोनों का जो अर्लियर होगा। सप्लाई पहले है, इनवॉइस यहाँ है, पेमेंट यहाँ है, अगेन इट्स अर्लियर। सप्लाई पेमेंट यहाँ है, इनवॉइस यहाँ है, अगेन इट्स अर्लियर। तो इसी तरीके से ये तीनों क्लॉज बनाया हुआ है, राइट। अभी क्या है कि सप्लाई हुआ है आफ्टर, सप्लाई बाद में है, इनवॉइस पहले हो चुका है, पेमेंट यहाँ है, तो पेमेंट वाला लेंगे। सप्लाई यहाँ है, इनवॉइस यहाँ है,
पेमेंट यहाँ है तो इन दोनों का अर्लियर, सप्लाई यहाँ, इनवॉइस इधर, पेमेंट इधर है तो इनवॉइस वाला लेंगे। राइट अच्छा, यहाँ पे बुक्स वाला नहीं माना, यहाँ पे डेट ऑफ क्रेडिट इन बैंक अकाउंट, अगर रेट ऑफ चेंज का 4 दिन बाद क्रेडिट हुआ है तो क्रेडिट वाला लेंगे। ठीक है, इंटीरियर डेकोरेटर है, डिजाइंस एंड रिनोवेट्स द ऑफिस ऑफ एक्स वाई जेड इन जून। ठीक है, द इनवॉइस इज टू बी रेस्ड आफ्टर अप्रूवल ऑफ द वर्क। रेट ऑफ टैक्स चेंज हो गया 5 जुलाई को, तो सप्लाई पहले है, इनवॉइस यहाँ है, पेमेंट भी यहाँ है। अब उसी हिसाब से ये ओल्ड रेट न्यू रेट समझ में आ गया ना। तो ये ओल्ड रेट लगेगा। ये हो गया न्यू, ये हो गया ओल्ड। ये हो गया ओल्ड। न्यू ओल्ड
तो सिंपल सा लॉजिक ये लोग बना दिया है। कोई भी दो इवेंट पहले है तो पहले का रेट, कोई भी दो इवेंट अगर बाद में है तो बाद वाला रेट। देख लो, ये तो डेट के लिए मैंने ऐसे लिखा है, दो चीज़ इधर है तो नया रेट, दो चीज़ इधर है तो ओल्ड रेट। अर्ली करने से यही आ रहा है, ये इधर का है, दो चीज़ इधर आ गया, दो चीज़ इधर हो गया, दो चीज़ उधर हो गया। अगर चार वर्किंग डेज से ज़्यादा लग रहा है तो डेट ऑफ एक्चुअल क्रेडिट लेंगे, नहीं तो नॉर्मल जो रूल है। पूरा एडवांस ले चुका है पहले, तो 13 अप्रैल को पेमेंट आ चुका है, थर्टींथ अप्रैल। इनवॉइस इशू किया है 22 मई को, डिलीवरी भी उसी दिन, सप्लाई इनवॉइस दोनों, सप्लाई इनवॉइस। नया रेट लगेगा, दो चीज बाद में हो गया ना। दस जुलाई को रेट चेंज हुआ है, रिकॉर्ड 8 जुलाई को कर चुके हैं हम लोग, क्रेडिट होते होते 15 जुलाई, तो हिसाब से 4 वर्किंग डेज नहीं है ना, तो 15 जुलाई लेंगे। विदिन 4 वर्किंग डेज क्रेडिट नहीं हुआ है तो 15 जुलाई लेंगे, मतलब पेमेंट बाद में मिला है चेंज होने के बाद। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल था ये, राइट? सो देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस व्हिच हैज बीन कवर्ड आउट हियर, यू कैन जस्ट डू इट होम। Around 10 questions are there. Kindly go through now with number one.
मैंने टैक्सेबल गुड्स को सप्लाई किया है 23 जून को, इनवॉइस इशू किया है 25 जून, नहीं चलेगा। सेक्शन 31 बोलता है जिस दिन रिमूवल ऑफ गुड्स है, जिस दिन डिलीवरी है मेड अवेलेबल टू द रेसिपिएंट, वो दिन आपका डेट ऑफ इनवॉइस होना चाहिए। तो उस हिसाब से तो ये 23 जून होना चाहिए और डेट ऑफ पेमेंट सामने वाले ने मेरे को 15 जुलाई को किया है, तो मेरे लिए तो 23 जून होगा। देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 करिए। एन ऑनलाइन पोर्टल बेस्ट इन्फो रेजेस इनवॉइस फॉर डेटाबेस एक्सेस ऑन 21 फरवरी, सो इनवॉइस है 21 फेब को, ठीक है। पेमेंट इज मेड बाय पेमेंट इज मेड बाय रॉयन बंसल बाय डिमांड ड्राफ्ट सेंट ऑन 25 फरवरी, विच इज रिसीव्ड एंड एंटर्ड इन द अकाउंट्स ऑन 20 फेब, एन कैश करते करते हो गया 3 मार्च, तो ये मेरा 20 फेब माना जाएगा। तो इनवॉइस और पेमेंट और 1 मार्च को मेरा रेट चेंज हुआ है। तो विद इन 4 डेज है ना, तो डेट ऑफ पेमेंट विल बी अर्ली ऑफ एंट्री और क्रेडिटेड विच एवर इज अर्लियर। तो 21 फेब होगा और ओल्ड रेट लगेगा।
ये इम्पोर्ट ऑफ सर्विस हो गया इसमें। इसमें रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। टैक्स इज पेबल अंडर रिवर्स चार्ज। अठारह अगस्त से 60 दिन और 22 सितंबर जिस दिन पेमेंट किया, विच एवर इज अर्लियर, और सेकंड केस में होगा 18 अगस्त से 60 दिन और 27 दिसंबर, विच एवर इज अर्लियर, तो यही वाला आएगा। I guess things are very clear to all of you, right? You can do rest of the problems at home. The solution is given just after these questions are over. And next day we will start with place of supply, right? Till then, goodbye. Take care.